Knock knock. Woo. Woo. Thank you for cheering. हम आगे जोक सुनाते हैं। लेकिन आप में से कोई ICSE स्कूल में पढ़ा? हाँ बस, बाकी नहीं। गवार लोग आए आज? अरे नहीं, अरे मैं पता है सारे स्कूल बोर्ड में पढ़ा हूँ मैं। हरियाणा बोर्ड में पढ़ा हूँ मैं, जो सरकारी होता है, CBSE में भी, ICSE में भी। सबसे फुद्दू मेरे को ICSE लगे हैं। क्यों? मतलब पहले उन्होंने शुरू में बताया कि ये टफ होता है, कि बहुत टफ होता है। मैं कोई ना, मैं भी टफ हूँ, देख लूँगा। प्रॉब्लम आई जब उन्होंने बताया कि हिंदी बोलने फाइन है। एक ही लैंग्वेज आती थी मेरे को, उसी फाइन लगा दिया। और ये बात पता मेरे को एक साल तक पता भी नहीं थी। हाँ, क्यों? पहले दिन जब मैम आई ना, उन्होंने बात भी इंग्लिश में बताई थी। ओके सुनो, वर्ड ही दिख रहा है यार, क्या बोल रहा है। एंड में कहती ओके, मैं ये वर्ड सुना मैंने, ओके मैम, फाइन फाइन आप सुना। पूरे साल कंफ्यूज रहा मैं कि यार मैं फीस तो पूरी भर रहा हूँ यार, पैसे मांगे जा रहे हैं। पूरे स्कूल में मेरे दो ही दोस्त बने थे बस, एक PN, एक गेट कीपर बस। हाँ, उन्हीं से बातें करता था बस मैं, उनका ही फाइन लग जाते थे मेरी वजह से। एक हिंदी वाले मैम रहते थे, उनके लेक्चर में लाउड होता था हिंदी बोलना, तो कोई मेरे से पंगे भी लेता था ना उससे पहले, उसको बोलना पड़ता था कि वेट फॉर 2 आवर्स देन आई विल सी। पर एक बार पता है हिंदी वाले मैम ने भी डांट दिया मेरे को। मैंने पूछा मैम आपको डांटो, आपने तो लाउ कर रखा है। कहता भूसड़ी का बोलना नहीं लाउड, इस सब्जेक्ट का वर्ड भी नहीं है। अरे वहाँ के बच्चे थे पता है गाली खाने लायक, इसलिए मैं जाता था। ICSE के बच्चे बहुत ही वो करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं मार्क्स के ऊपर। सच में वहाँ फ्रेंड सर्कल ही ऐसे पता है, इतने से इतने मार्क्स वालों का ये फ्रेंड सर्कल है, इतने से इतने मार्क्स वालों का ये फ्रेंड सर्कल है। ऐसे ऐसे लगे नागशक्ति में आ गया पता है, ऐसी वाइब है वहाँ की। और जिस बच्चे के सबसे कम मार्क्स आते थे तो सारे बच्चे ना रिजल्ट के बाद उसकी जाके वो करते थे, बेइज्जती करते थे, उसके मजे लेते थे। हमेशा मैं पकड़ा जाता था उसमें। मैं तो बताया अपना लैंग्वेज इशू था मेरे को कि मेरे को तो हर एग्जाम में ऐसा लगता था कि पता आज फिर इंग्लिश का आ गया यार, क्या उनके सब्जेक्ट ही नहीं इनके पास, साइंस का एग्ज़ाम। एक बार पता है फिर भी मैं थर्ड लास्ट आया था, वो भी साइंस का एग्ज़ाम। बड़ा खुश हुआ था मैं कि ये दो बच्चे एबसेंट है वो। नहीं पर यार बहुत उन्होंने, हाँ पता नहीं, जैसे जब रिजल्ट आते थे तो ऐसे तंग करते थे, पर एक टाइम था उनके बाद उनको पता चल गया कि निशान से पंगे नहीं लेते, क्योंकि उनको मतलब रुला दिया था मैंने बुरी क्लास को। क्योंकि एक बार ना मैम आई क्लास में, मैम कहती बच्चों का ना सरप्राइज टेस्ट हो रहा है। ये क्या फुद्दू, मैंने पहले बता दिया इसने। फिर मोटिवेट करी, कह रही बच्चों अगर तुम सारे मेहनत करो तुम सारे फर्स्ट आ सकते हो। पता 40 के 40 बच्चे फर्स्ट बोल रही, खुद को मैथ्स की टीचर बोलती है ऊपर से। तो कहती बच्चों का ना सरप्राइज टेस्ट हो रहा है, तो बताओ 5th chapter कर लूँ या 6th chapter कर लूँ। तो आधे बच्चे कह रहे मैम 5th का ले लो, 5th आसान है। आधे कह रहे नहीं मैम 6th लो, 6th आसान है। तो मैम कहती है यार तुम कंफ्यूज कर रहे हो, ऐसा करते हैं सबसे डम बच्चे से पूछते हैं, ठीक है, वो जो बताएगा उसका डिसीजन फाइनल है। तो कहते निशांत का है, कहते मैम आपने बाहर खड़ा करा उसको। मेरे को अंदर बुलाया मेरे से बच्चे, कहते निशांत यस मैम, कहते कल ना सरप्राइज टेस्ट हो रहा है। मैं तो मेरे को क्यों बता रहे हो, मेरे रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आने वाला। कहते नहीं तुम डिसाइड करोगे ऐसे 5th chapter का लेंगे या 6th chapter का, जो तुम बोलोगे ना वो डिसीजन फाइनल। अच्छा मेरे को सोचना है, तो मैं सोचा था कि मैं तो पास हो नहीं सकता ना, मैं इनको ही फेल कराता हूँ। तो मैंने बोल दिया मैम दोनों का ले लो, दोनों का ले लो, हाँ आसान से तो है। बाकी बच्चों की फटकी थी, सब देख रहे, कहते अब ये क्या है, मैं सरप्राइज, ठीक है। हाँ मेरे से खुश होगी मैम, कहते क्या बात है निशान, कहते आते अंदर आग जली है पता तेरे को, मैं थर्ड का भी ले लूँगा, थर्ड का भी ले लो। मैं तो कहता हूँ थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस डाल दो, थोड़ा टफ बनाओ यार, ICSE है क्या है। अगले दिन इतना टफ बनाया मैम ने, सारे बच्चे फेल हो गए मेरे साथ, सारे मेरे साथ बाहर खड़े हुए थे। पहली बार खड़े रहे थे वो, तो काफ़ी रोने वाले हुए थे। वहाँ के बच्चे थोड़े सेंसिटिव होते हैं, सब उनको पता है बैड बॉय बोलते हैं ना, उनके दिल पर लग जाती है, इतने वो होते हैं। ऐसे बच्चों को पूछड़ी क्या बोलता था वैसे, अलग बात है। पर वो ऐसे आंसू रोक के खड़े होते, मैं सोचा कुछ तो करना होगा, मेरे को आंसू देख रहे थे। उनको ना नोक नोक जोक सुनने की, क्रैक करने की बहुत आदत थी, तो मैंने बोला एक जोक सुनाओ। कहते इस टाइम इस माहौल में, मैंने कहा मजा आएगा, चल ठीक है सुना। तो मैंने बोला नोक नोक, कहते हुज देयर, मैंने कहा तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम भी तो भारी खड़े हो मेरे साथ।
फिर जो रोना स्टार्ट करा ना उन्होंने सिंक में आंसू गिरे थे। हेलो, अरे काफ़ी खुश लग रहे हो। पहला जो कि मेरा डिप्रेशन पे है भैया। आजकल मतलब ज़माना कितना चेंज हो रहा है, आप देख रहे हो, मतलब कितनी स्पीड से बदल रहा है। क्योंकि आजकल पता कहीं डिप्रेशन के नाम पे अटेंशन भी नहीं मिलती है ना। इतना स्टैंड अप कॉमेडी में तो किसी के बारे में बात कर सकते हो उसमें। अब पंचलाइन का वेट तो करो यार, क्या फिर कहते डिप्रेशन क्यों आ रहा है, इसी वजह से तो आ रहा है मेरे जॉक खराब कर रहे हो आप। और मैं सोचा है वैसे स्वर्ग जा, आप वीडियो बना रहे हो क्या? क्यों, हम कर रहे हैं रिकॉर्ड आपके। मेरा पैसे मत मांगना कि यार एक कैमरा मेरे को। तो अपनी बना रहे हो ऐसे रख के है? क्यों नहीं अलाउड नहीं आते? खैर क्या सुना रहा नहीं वो तो खत्म हो गया था। हाँ मैं सोचा वैसे सो हाँ 3-4 महीने में। अरे बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ मैं, तुम्हें पता नहीं। और मैंने पता क्या सोचा क्या यार, आज तो इतनी लड़की आई है ना शो में, मेरे को लग नहीं रहा स्टैंड अप कॉमेडियन भी कुछ कर पाएगा। क्या 3 ही मिनट बचे हैं भाई, सोच रहा था मैं अभी। कोई नहीं बोलेगा, बीच में नहीं बोलेगा, ठीक है? क्या हंसेंगे? हाँ हंसना यार, ठीक है। सीरियस सीरियस कौन? अरे इसी बात पे इतना बोल दिया आप लोगों ने यार। हाँ यार, अब कोई जोक पे हंसेगा नहीं, अब तो गंदे जोक सुनाओ मेरे को। ये ऐसी वीडियो होगी यूट्यूब पे अकेली जिसमें कॉमेडियन चुप है फिर भी हंसी जा रही है, सिर्फ ऑडियंस की हंसने की आवाज पूरी वीडियो में। हैं बॉडी लैंग्वेज कॉमेडियन का क्या सुन बिना जोक? अच्छा मेरा, अच्छा स्मार्ट हो यार आप यार, लड़की हो के भी क्या बात है। अरे अरे क्या मैक्सिमम ऑडियंस वही है। अरे एक बहुत ही, अरे एक ऑफेंसिव जोक सुना के जाऊंगा फिर तुमसे। नहीं क्यों, मैं बदला नहीं ले सकता। लास्ट जोक सुना रहा हूँ मैं, ठीक है यार, लास्ट जोक सुना रहा हूँ मैं, ठीक है। अरे पता है डॉग है एक मेरे पास, बड़ा प्यारा डॉग है, वो बुजो नाम है उसका, सच में बड़ा प्यार, पर उसको पता है एड्स है सच में। अरे सच, क्योंकि ना मेरे को और कोई रीजन समझ ही नहीं आता कि मेरे को कैसे हुआ। अरे मेरी गर्लफ्रेंड है पता है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं नहीं प्रेग्नेंट है वो पता है, मैं बड़ा भाई बनने वाला हूँ। नहीं है सब सारी लड़कियां एकदम से भैंस बन गई हैं।